हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी अभी रात का 10 बज रहा है और मेरा काम पूरा हो चुका है। देख सकते हैं बेटी इधर सोई हुई है, अभी जगी हुई है, अब सोएगी। और घर के बहुत सभी लोग पार्टी में गए हुए हैं, अब उनका वेट कर रही हूँ आने का। तब तक सोची आप लोग से थोड़ा बात कर लूँ। और ये चीज़ आप लोग को दिखाना मैं भूल गई थी, ये देखिए मेरे बेटी का बर्थडे का फोटो है। ये इस बार 5 साल की हुई है, तो इस बार तो कल के फोटो खींचाया था। बेटा आपको फीवर है, देखे आपको फीवर है, पता नहीं कल स्कूल जा पाओगी कि नहीं, समझी। और दोस्तों मेरा टीथ टूट गया है, ये देखिए। सेम इसका टीथ टूट गया है। और मैं बात कर रही थी फोटो का, तो 4 साल के इसका फोटो बनवाई, जिसमें देख सकते हैं बीच का है वो 1st साल का है, ऊपर वाला उस साइड में ऊपर वाला 2nd साल का है, नीचे 3rd का है, और इधर वाला ये जो है ये 4th का है। मैं आपको सामने से करके भी इसको दिखाती हूँ अभी। और कैसा फोटो लगा आप लोग ज़रूर बताना। और पाँच साल का इस बार हुआ है, तो फिर 1-2 साल करके मैं फिर उसको बनवाऊंगी। और ये बैलून सब लगा दी है, यही हार्ट शेप का, यूनिकॉर्न का, जो सुंदर लग रहा है देखने में। आप दोस्तों सुनिए, ये मेरी मम्मा बैठी थी, मैं चश्मा लगाती है। मम्मा का आई दर्द करता है। आज मैं सुबह 5 बजे का उठी हुई हूँ, अभी तक आँख एक बार भी थोड़ा सा भी बंद नहीं हुआ है। मत कहने का ये है कि दिन में भी नहीं लेट पाई हूँ, इस वजह से मेरे आँख में भी दर्द हो चुका है। तो देख सकते हैं दिन भर मैं आज चश्मा लगाई हूँ, डर से कि कहीं आँख में दर्द हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इस वजह से बीमार हो गया है, और इसको भी आज फीवर हो गया है, फीवर, गला में दर्द, दवा भी दी हूँ। लग रहा है पता नहीं कल ये स्कूल जा पाएगी या नहीं, आप लोग को ज़रूर मैं बताऊंगी कि स्कूल गई थी या नहीं। और अभी का यही 10 बज रहा है और मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ, सब जो जहाँ का जैसा काम था वो करके अभी फाइनल रूम में आई हूँ। और बहुत सारे कपड़े, भींगा हुआ कपड़ा सब है, वो सबको मैं इसी पे फैला देती हूँ स्टैंड पे, ताकि फैन से ही सूखता रहे। बहुत सारा कपड़ा सब देख सकते हैं, ये कपड़ा सब पूरा फैला हुआ है, और इस साइड मैं इसको करके फैला देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये सूख जाए, जितना ही सूख पाए, कल तो फिर इसको डालूँगी। और अभी रात का टाइम है तो लाइट के वजह से मेरा फेस भी क्लियर आ रहा है आप लोग को, तो देख सकते हैं। और इधर 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 हेलो दोस्तों, इधर 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 आइए। बहुत शैतान है ये, शांत मुंह बंद रखो ना, मुंह बंद रखो ना, मैं फ़ोटो ली हूँ, इतना फ्रेश क्लियर नहीं आ पाता है। पता है मेरे फ़ोन का टेम्पर ग्लास के अंदर का जो मेन शीशा होता है वो 3 बार बदला चुका है, जो कि 2-2 हज़ार, 2-2.5 हज़ार रुपया लगा, 3 बार मेरा बदलाया है। उसी चक्कर में मेरा फ्रंट का कैमरा जो भी उसको लगाए वो साफ़ करके नहीं लगाए, इस वजह से मेरे फ्रंट कैमरा में इतना सा धूल जमा हुआ है। उसको पूरा सही करवाने के लिए फिर मुझे मेन जो शीशा है उसको हटवाना पड़ेगा और तब जाकर करवाना पड़ेगा, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, मुझे प्रॉब्लम होता है वीडियो में। आप लोग के लिए भी रेगुलर वीडियो में नहीं बना पाती हूँ, यही कारण है मेरे साथ। बैक कैमरा करके कोई दूसरा बना दे तो सही रहता है,
पर खुद से बैक कैमरा करके बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। और ये देख सकती है क्या दिखा रही है, देखिए इसका डायरी, स्कूल का डायरी। और बैग में तुम्हारे डाल देते हैं, मम्मा भूल गई है बैग में डाल, इसमें नहीं इसमें, कोई बात नहीं इसमें, बहुत सारा दोस्तों। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताया करें, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वीडियो में क्या खराबी है क्या है। एक दो जने कमेंट करते हैं, पर अभी इतना ना फ्रॉड ये सब चलता है कि मैं उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाती हूँ कि वो जेन्युइन है या क्या है, सो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ऐसे कोई भी मुझे कमेंट करता है तो मुझे चाहती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, फिर थोड़ा ये सोच के रह जाती हूँ कि पता नहीं कौन बंदा जेन्युइन है कौन क्या है। अभी इतना ना हर चीज़ में फ्रॉड चलता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर जेन्युइन पर्सन जो भी हो और मुझे जो कमेंट आप लोग करते हैं अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं आज सॉरी बोल रही हूँ आप लोग से। जब मैं कभी देखूँगी सही लगेगा। और हाँ, आप जो भी एक है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपका हेल्प करूँगा, मैं आपका वीडियो बहुत अच्छे व्यूज लाऊँगा ये वो, तो मैं उनका देखी ना उनका इंस्टाग्राम पे कोई अच्छा उनका फॉलोवर या कुछ है, ना ही उनका यूट्यूब पे कुछ है, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि आप मुझे हेल्प करना चाहते हो। और बिना फ़ायदा का कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, ये आज की सच्चाई है। सो मैं आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इस वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ और आगे भी नहीं करूँगी। हाँ, आप अगर जेन्युइन पर्सन हो, आप सही हो, तो मुझे हेल्प करो, मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं अपने सारा चैनल का काम आप ही को सौंप दूँगी, आप करना जो भी होगा उसमें आप भी लेना, वो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर सही में आप अगर हेल्प करना चाहते हो तो पहले आप मुझे हेल्प करो, अगर मुझे फ़ायदा हुआ, अगर मेरा चैनल मोनिटाइज सच में हो गया, मुझे अच्छा सब अच्छा लगा, तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। कैसे हेल्प करोगे, मुझे यूट्यूब के बारे में उतना कुछ ज़्यादा पता है नहीं, अगर थोड़ा बहुत जो वीडियो बनाना है एडिट करना डालना इतना तक आता है, और ज़्यादा के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है कि मैं करूँ। मैं आज रिप्लाई आपको दी हूँ और आपका नाम मैं यूट्यूब पे नहीं लेना चाह रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं आप ही के बारे में बोल रही हूँ। और ये तो रहा, और आज का वीडियो रहने देती हूँ यहीं तक, काफ़ी बात आप लोग से हो चुकी है, और कल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो, दिल टूट जाता है। या तो आप लोग जिसको मैं पसंद ना हो, मेरे वीडियो पसंद ना हो, तो आप लोग सब्सक्राइब ही मत किया करो, अगर करते हो तो अनसब्सक्राइब मत किया करो, मुझे बहुत बुरा फील होता है। सो वीडियो को रहने देती हूँ यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय।